नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी? दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इशू पे चर्चा करना चाहता हूं। बहुत से मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, जो मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर, स्लस्की और हिक्स का जो मेथड है, किस तरीके से प्राइस इफेक्ट को हम देखते हैं कि इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में बटा हुआ है, इसको आप हमको एक क्रिस्टल क्लियर करिए ताकि एग्जाम में हम इसके सही कर सकें। हर तरह के एग्जाम में, चाहे वो एनटीए का एग्जाम हो, चाहे वो हायर एजुकेशन का हो, ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता रहा है और आपके लिए हेडक बनता रहा है। तो पूरे वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। दिग्विजय इकोनॉमिका को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिग्विजय इकोनॉमिका को सब्सक्राइब करिएगा ताकि इकोनॉमिक रिलेटेड सबसे ऑथेंटिक वीडियो और मटेरियल हम आपको प्रोवाइड कर सकें। इकोनॉमिक्स का मतलब दिग्विजय इकोनॉमिका। दोस्तों, आप जानते हो कि प्राइस इफेक्ट इज द सम ऑफ इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, मतलब जो कीमत प्रभाव होती है वो आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव का जोड़ होता है। प्राइस इफेक्ट इज द सम ऑफ इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, या फिर हम बोल सकते हैं कि प्राइस इफेक्ट इक्वल टू इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इसकी चर्चा हमने एक वीडियो में कर दी है, उसे आप देख लीजिएगा और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आज जो पॉइंट ऑफ कंसर्न है, जो इश्यू है, हम ये टैकल करना चाहेंगे कि एक्चुअली किस तरीके से हम बताएंगे कि प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, इनको अलग कैसे करेंगे। तो दोस्तों, इसको अलग करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। पहले मेथड को हम हिक्सियन मेथड या हिक्सियन अप्रोच कहते हैं, दूसरे को स्लस्की मेथड या स्लस्की अप्रोच कहते हैं। जो हिक्सियन मेथड है उसके लिए जो टर्म्स यूज करेंगे सेपरेशन के लिए, वो है कंपनसेटिंग वेरिएशन इन इनकम। मतलब कंपनसेटिंग वेरिएशन इन इनकम मतलब आय में क्षतिपूरक परिवर्तन। इस विधि का जो नाम है, कई बार कंपटीशन में यही पूछ लिया गया है, आय में क्षतिपूरक परिवर्तन। क्षतिपूरक, आय में क्षतिपूरक परिवर्तन। और दूसरा जो मेथड है वो है स्लस्की का, जिसको हम कहते हैं कास्ट डिफरेंस मेथड। तो कई बार आप देखिएगा कास्ट डिफरेंस मेथड पूछा गया है, लागत अंतर विधि। तो इन्होंने दो इकोनॉमिस्ट हैं जो सेपरेशन के लिए अलग अलग विधियां देते हैं। एक को हम बोलते हैं कंपनसेटिंग वेरिएशन इन इनकम और दूसरे को कहते हैं लागत अंतर विधि या अप्रोच। तो हम ये सीखने वाले हैं कि हम किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं इनकम इफेक्ट इज इक्वल प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इन दोनों ही मेथड से। और हम ये सीखेंगे दोस्तों कि इन दोनों मेथड में जो हिक्सियन अप्रोच है और जो क्लासिकल अप्रोच है, उसमें किस तरह का अलगाव है, किस तरीके से ये दोनों अलग अलग मत देते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके विषय में ब्रीफ कर दूं, फिर हम इसे डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। मान लो कि कोई प्रोडक्ट है और कोई कंज्यूमर है, वो दो प्रोडक्ट्स को कंज्यूम कर रहा है, एक प्रोडक्ट एक्स, दूसरा प्रोडक्ट वाई। अगर मान लो कि प्रोडक्ट एक्स सस्ती हो जाती है, तो नो डाउट जब वो प्रोडक्ट एक्स सस्ती होगी तो जो कंज्यूमर है उसकी रियल इनकम बढ़ जाएगी, वास्तविक आय। इसका चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं आपसे कि जब कभी भी प्राइसेज कम होते हैं तो इसके वजह से कंज्यूमर का रियल इनकम, मतलब परचेजिंग पावर ऑफ इनकम बढ़ जाती है। तो अब हमको देखना है कि कीमत घटने की वजह से हम उस प्रोडक्ट की जो सस्ती हुई है, जो एक्स है, उसकी डिमांड बढ़ाते हैं या फिर नहीं बढ़ाते हैं। तो जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है वो यही दिखाता है कि दो वस्तुओं में से अगर एक वस्तु रिलेटिव रूप से सस्ती होती है तो उसका ज्यादा कंजम्पशन किया जाता है, वो रिप्लेस करती है सस्ती वस्तु महंगी वस्तु को। और मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमेशा निगेटिव होता है। यहां पर देखिए, पॉइंट ऑफ कंसर्न ये है कि हिक्सियन जो मेथड है या हिक्सियन अप्रोच है, उसे किस तरीके से मैं बताऊंगा कि प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो हमारे सामने जो टास्क है वो ये प्रूफ करना है कि प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इनकम इफेक्ट प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इसी चीज को हमको प्रूफ करना है। और हम जो मेथड यूज करने वाले हैं हिक्स में, उसके लिए हम शब्द यूज कर रहे हैं, आपको जो मेथड यूज कर रहे हैं वो है कंपनसेटिंग वेरिएशन इन इनकम, आय में क्षतिपूरक परिवर्तन। देखिए यहाँ पे डायग्राम में आप देखिए, यहाँ पे कमोडिटी एक्स है, यहाँ पे हमने गुड एक्स लिया हुआ है और गुड वाई लिया हुआ है, यहाँ पे वस्तु वाई है, गुड वाई है, और एक जो कंज्यूमर है वो दोनों वस्तुओं को
कंज्यूम कर रहा है। सबसे पहले जो कंज्यूमर की बजट लाइन है वो पीएल से दिखाई गई है। अब यहां पे ये कहा गया है कि जो वस्तु एक्स है वो सस्ती हो जाती है। जो ही वस्तु एक्स सस्ती होती है, आपने मेरे वीडियो को देखा होगा कि जो बजट रेखा है वो अपने आप जो है उसका स्लोप कम होगा और ये राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो देखो जो पीएल रेखा है वो वस्तु एक्स सस्ती वजह से पीएल वन हो गई है। तो अब उपभोक्ता जो पहले ई पॉइंट पे था, ई पॉइंट पे था और यहां पे वो संतुलन के बिंदु में था, वो एक्स वन यूनिट एक्स का परचेज करता था और वो ई पॉइंट पे था। अब ये वस्तु के कीमत में कमी की वजह से अब वो पॉइंट ई थ्री पे चला गया है। तो ई वन से ई थ्री पे गया है, तो ई वन से जो ई थ्री पे मूवमेंट है चूंकि वो कीमत में कमी की वजह से हुआ है तो दैट इज प्राइस इफेक्ट। लेकिन हमको यही प्रूव करना है कि इस प्राइस इफेक्ट के दो कंपोजिशन है, एक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है और दूसरा इनकम इफेक्ट है। इसी चीज को हमको प्रूफ करना है। अब इसको प्रूफ करने के लिए जो हिक्स है वो क्या अप्रोच लेके आते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैंने कहा कि जो हिक्सियन मेथड है उसके लिए शब्द हम यूज करते हैं कंपनसेटरी वेरिएशन इन इनकम, आय में छतपूरक परिवर्तन। चूंकि यहां पे माना गया है कि वस्तु एक्स सस्ती होने से उस वो जो है उसकी बजट लाइन चेंज हुई है। चेंज क्या, आप देखो एक तरह से एक्स क्वांटिटी को वो जो है आप इस साइड में घुमा हुआ है, उसका स्लोप कम हुआ है और वो बदला हुआ है पीएल से पीएल वन हो गया। तो ऐसे में चूंकि उसकी रियल इनकम बढ़ी हुई है तो हम चेंज करने के लिए, हम जो ये चेंज है उसको कंपनसेट करने के लिए उसके इनकम से इतना पैसा निकालेंगे मॉनेटरी इनकम से ताकि वो पहले के सेटिस्फेक्शन लेवल पे आ सके। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे जो हिक्स है वो ये सलाह देते हैं कि प्राइस इफेक्ट से इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट अलग करने के लिए, बेसिकली सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मेजर करने के लिए, कंज्यूमर की चूंकि रियल इनकम बढ़ी हुई है तो उससे इतना मॉनेटरी इनकम आप ले लो जिससे वो पहले के सेटिस्फेक्शन लेवल पे आ जाए। अब देखिए यहां पे कहा जा रहा है कि पूर्ववत जो पहले वो सेटिस्फेक्शन लेवल था उस पे आ जाए। सेटिस्फेक्शन कब बराबर होगी, जब उसी इंडिफरेंस कर आईसी वन पे हो। तो इतना उसको कंपनसेशन करना है, इतना क्षतिपूरक परिवर्तन करना है कि उसी जो है सेटिस्फेक्शन लेवल पे आ जाए। तो आप यहां पे समझ सकते हो अगर एक्स वस्तु सस्ती हुई है तो उसके इनकम से पैसा हम निकालेंगे, लेकिन अगर एक्स वस्तु महंगी हुई होती और ये पीएल रेखा लेफ्ट की तरफ आई होती तो ऐसे में उसको हम क्या करते, छतपूरक परिवर्तन में उतना नॉमिनल इनकम देते ताकि वो उसी सेटिस्फेक्शन लेवल पे रह सके। इस डायग्राम में आप देख रहे हो चूंकि पीएल पीएल वन हुआ इसका मतलब एक्स वस सस्ती हुई। अब एक्स वस सस्ती हुई तो उसकी जो परचेजिंग पावर ऑफ इनकम है रियल इनकम बढ़ी हुई, इसलिए उससे इतना आप नॉमिनल इनकम ले लो ताकि वो पहले के सेटिस्फेक्शन लेवल पे आ जाए। और पहले का सेटिस्फेक्शन लेवल कब आएगा, जब वो आईसी वन पे आ जाएगा। तो दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर लमसम टैक्स लगा सकते हैं ताकि उसकी जो है मॉनेटरी इनकम क्या हो सके, कंपनसेट किया जा सके, उससे इनकम लिया जा सके ताकि वो पहले के सेटिस्फेक्शन लेवल पे आ जाए। इसके लिए जब उससे हमने उसका इनकम लिया है तो एक देखो बजट रेखा ए बी खींची गई है जो कि पी एल वन के बिल्कुल पैरेलल है। देखिए बजट रेखा में आपको मैं क्लियर किया था कि अगर वस्तुएं सस्ती होती हैं तो सिर्फ बजट रेखा का स्लोप बदल जाता है और वो लेफ्ट या फिर राइट की ओर जाता है, लेकिन अगर हम इनकम घटा और बढ़ा देंगे तो उसके स्लोप में किसी तरह से कमी नहीं होगी, वो पैरेलल शिफ्ट हो जाएगा। तो चूंकि उसके इनकम में कमी आई है तो पी एल वन के पैरेलल एक ए बी रेखा हम खींच रहे हैं जो नई बजट रेखा है, क्योंकि उसकी उतनी इनकम कम की गई है ताकि वो पहले के सेटिस्फेक्शन लेवल पे आ जाए। तो देखो दोस्तों वो अब देखो ये जो बजट रेखा है वो आईसी वन को ईवन बिंदु पे काट रहा है, इसका मतलब जो उससे नॉमिनल इनकम इतना लिया गया है ताकि उसी सेटिस्फेक्शन पे रह सके, तो पहले वो इवन था अब ये इसके इवन बिंदु पे आ गया है। तो अब आप समझो कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर उस पेमेंट को उसको दिया जाए तो नो डाउट वो ई बिंदु से इवन की तरफ मूव करेगा, पक्का है मूव करेगा, यहां से यहां तरफ मूवमेंट हुआ। तो कुल मिला जुला के ई से इवन पर जो आना है वो सेटिस्फेक्शन लेवल उसका वही बना हुआ है। तो इसका मतलब जो सस्ती वस्तु है वो ज्यादा खरीदा है, तो
X1 से X2 पर आना ही प्रतिस्थापन प्रभाव है, X1 से X2 पे जाना ही सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, या फिर E से E1 पे आना ही सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, जो दिखाता है कि वस्तुएं सस्ती हुई है X तो ये महंगी वस्तु को प्रतिस्थापित करेगी और X का कंजम्पशन ज्यादा होगा। अब जरा समझो, वो सेम सेटिस्फेक्शन लेवल पे है E पे और E1 पे, अगर उसको जो आप नॉमिनल इनकम लिए उसे वापस करोगे तो नो डाउट ये ज्यादा और कंज्यूम करेगा और इस बिंदु पे पहुंच जाएगा E3 पे। तो E1 से E3 पे जाना यही दिखाएगा आपके इनकम इफेक्ट को। तो कुल मिलाकर के दोस्तों, जब कीमत कम हुई थी E से वो E3 पे गया था, यही इसका प्राइस इफेक्ट था। E से E1 पे आया सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, और E1 से E3 पे गया, यही है इसकी इनकम इफेक्ट। तो तीन तरह के इफेक्ट आप देख रहे हो, सबसे पहले जब वस्तु सस्ती हुई और E से ये E3 पे गया हायर डिफरेंस कर्व IC2 पे, तो ये दिखाया इसका प्राइस इफेक्ट। E से E1 पे आना सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, और E1 से E2 पे जाना, यही है इसका प्राइस इफेक्ट। तो दोस्तों, इस डायग्राम से हम समझ चुके हैं कि इसको हम कैसे दिखा सकते हैं। हम दिखा सकते हैं कि प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू इन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट। अब जो प्राइस इफेक्ट है वो है X1 से X3, और जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है वो है X1 से X2, और जो इनकम इफेक्ट है वो है X2 से X3। तो इसमें हमने कंपनसेटरी वेरिएशन ऑफ इनकम का सहारा लिया, मतलब उतना इनकम उससे ले लिया या फिर उतना इनकम उसको दे दिया जिससे वो पहले के सेटिस्फेक्शन लेवल पे आए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हिक्सियन मेथड, कि उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो सेम है, उसमें कोई अंतर नहीं किया जा रहा है, इस तरह का वेरिएशन किया जा रहा है। तो वेरिएशन के माध्यम से सेम सेटिस्फेक्शन लेवल की बात की जाएगी। लेकिन जब हम सलस्की के मेथड में पढ़ेंगे तो वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को पता लगाने के लिए कॉस्ट डिफरेंस मेथड को लेते हैं। इस डायग्राम में आइए आगे के डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहां पर दिया गया है सलस्की मेथड में। सलस्की मेथड को अभी मैंने बताया कॉस्ट डिफरेंस मेथड, लागत अंतर विधि कही जाती है, कॉस्ट डिफरेंस मेथड। कॉस्ट डिफरेंस मेथड में क्या है, लागत अंतर विधि में क्या है, पहले देखिए जो बजट रेखा है वो PL है, और वो P बिंदु पे किसी कॉम्बिनेशन को परचेज कर रहा है, और ये IC1 है अनधिमान वक्र के किसी बिंदु पे उपभोक्ता जो संतुलन में है। अगर वस्तु X सस्ती होती है तो वो P बिंदु से R बिंदु पे चला जाता है, तो P बिंदु से जो R पे जो मूवमेंट है चूंकि कीमत में कमी की वजह से आया है, तो यही हो गया कीमत प्रभाव, यही हो गया प्राइस इफेक्ट। अब देखना है कि इसके अंदर दो इफेक्ट है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है और इनकम इफेक्ट है, वो क्या है। देखिए, चूंकि वस्तु X की कीमत कम हुई है तो वो ज्यादा चीजों को कंज्यूम कर रहा है। अब यहां पे सलस्की जो है कास्ट डिफरेंस मेथड देते, उनका कहना है कि पहले वो P बिंदु पे था और ये बजट रेखा PL थी, और P बिंदु पे वो गुड्स के कॉम्बिनेशन को एक यूज कर रहा था, कंज्यूम कर रहा था X और Y के। हम चूंकि प्राइसेस कम होने से उसकी परचेजिंग पावर बढ़ी हुई है, उसकी रियल इनकम बढ़ी हुई है, तो कंपनसेशन ऐसा करेंगे कि वो पहले वाले बंडल को फिर से खरीद सके। मतलब चूंकि अब वो तो PCR पे आ गया है, चूंकि वस्तु सस्ती हुई है तो अब वो ये ऊंचे चीजों को खरीद रहा है, गुड्स को। आप देखिए अभी X3 खरीद रहा है, लेकिन हम इतना उससे इनकम ले कि वो पहले वाले बंडल को खरीद सके। मतलब हम कास्ट को कंपनसेट करें कि वो पहले वाले कास्ट पे ही आ जाए, कॉम्बिनेशन पे ही आ जाए। तो सेम कॉम्बिनेशन P पे वो आए, इसके लिए वो क्या करते हैं, उससे उतनी मॉनेटरी इनकम लेते हैं ताकि वो P कॉम्बिनेशन जो X और Y का वो कंज्यूम कर सके। तो जो दूसरी लाइन आप देखेंगे AB खींची गई है, जो पैरेलल होगी PL2 के, आप इसके देखिए पैरेलल होगी, ये बिंदु P से क्रॉस करेगी, जो दिखाता है कि उसी बंडल को ये फिर से परचेज कर सकता है, उतना कंपनसेट किया गया है ताकि कॉस्ट के डिफरेंस को मेंटेन किया जा सके, इसीलिए इसको बोलते हैं कॉस्ट डिफरेंस मेथड। तो दोस्तों, अगर ये P बिंदु से जाएगी तो क्या ये P बिंदु पे रहेगा, उत्तर है नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है अब उस कॉम्बिनेशन पे इसलिए नहीं रहेगा कि अब वस्तु सस्ती होने की वजह से अब वो इसके हायर बिंदु Q पे आ जाएगा, इस बिंदु से Q पे आ जाएगा। तो P से Q पे देखिए अब ऊंचे इंडिफरेंस कर पे ये चला गया है, तो P से Q पर आना यही है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इसका मतलब वो पहले वाले जो बंडल है उसको नहीं कंज्यूम कर रहा है,
और वो ऊंचे बंडल पे एक्स के ज्यादा मात्रा को कंज्यूम कर रहा है। अगर उसको फिर से जो इनकम ली गई है उसको दी जाए तो वो क्यू से आर पे चला जाएगा, तो क्यू से आर पे आना ही हो गया इनकम इफेक्ट। तो दोस्तों यहां पे आप समझ रहे हो, पी से आर पे आना प्राइस इफेक्ट, पी से आर पे आना ये हो गया प्राइस इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट क्या हो गया, पी से आर पे आना, पी से आर पे आना, पी से क्यू पर जाना ये हो गया सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, और क्यू से आर पे जाना ये हो गया इनकम इफेक्ट। तो यही तो हो गया, प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट। तो दोस्तों ये दो अलग अलग मेथड है। आप देखोगे कि सलस्की के मेथड में तीन इनडिफरेंस कर्व बन रहे हैं, जबकि हिक्सियन मेथड में दो इनडिफरेंस कर्व बन रहे हैं, क्योंकि हिक्स मानते हैं कि इतना हम उससे इनकम लें लमसम टैक्स उससे लगा के कि वो पहले के संतुष्टि स्तर पे रहे, तो सेम इंडिफरेंस कर पे रहेगा तो दो ही इंडिफरेंस कर होगे, लेकिन यहां पे हम उतना इनकम उसको ले रहे हैं ताकि वो पहले के कॉम्बिनेशन जो बंडल्स ऑफ गुड्स है उसको परचेज कर सके। तो आप देखो पहले के बंडल आईसी वन पे था, लेकिन अब वो चूंकि इनकम को उसको कंपनसेट किया गया है, अब वो दूसरे लाइन आईसी टू पे हायर पे चला गया है, क्योंकि अब इसी बंडल की प्राइस कम हो चुकी है, अब क्यों इस बंडल पे रहेगा, क्योंकि एक्स सस्ता हो चुका है, और अगर उसको कंपनसेटरी इनकम वापस करोगे तो आर पे जाएगा। तो पी से क्यू पे आना सब्स्टिट्यूशन, क्यू से आर पे जाना यह है इनकम। तो देवी और सज्जनों ये बहुत ही आसान है, इसमें कोई ऐसी टिपिकल कॉन्सेप्ट नहीं है जो कि आप सीख ना पाए, बस थोड़े से कंसंट्रेशन बैठाना है जो कि आपको यह बता लग जाए कि दोनों में जो मूलभूत अंतर है वो क्या है। मूलभूत अंतर सिर्फ इतना है कि जो हिक्स है वो कहते हैं कि प्राइस अगर घटेगी तो उसको प्राइस घटने से रियल इनकम बढ़ेगी, तो उससे आप पैसा लोगे, इतना मॉनेटरी इनकम लोगे कि वो पहले के सेटिस्फेक्शन लेवल पे आ जाए। दूसरी चीज, अगर वस्तु एक्स जो है, आप ध्यान से समझिए, ये चीजें जो है अलग भी हो सकती थी। यहां पे देखिए, अगर आपने कहा हिक्स मेथड में कि ये जो है बजट रेखा है और एक्स जो है यहां पर है और ये पीएल है और ये चीजें सस्ती हो रही है, तो मैं कह रहा हूं बजट रेखा ये हो रही है, और आप एक बजट लाइन ऐसा खींच रहे हैं जो इसके पैरेलल है, और एक इंडिफरेंस कर्व आप ऐसे खींचते हैं और बताते हैं कि वो यहां से यहां पे जो मोबाइल है, क्योंकि वो सेम सेटिस्फेक्शन पे ला जा रहा है आईसी वन पे, इसी को आपने कहा यहां से यहां पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, बाकी जो ये चला गया आप यहां से यहां बोलते हो कि ये क्या है, यहां से यहां पे आना प्राइस इफेक्ट, ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। लेकिन आप इस बात को समझो कि अगर मैं ये बोलूं कि जो वस्तु एक्स है वो महंगी हो गई, तो अब ये वस्तु यहां से यहां की तरफ आएगी, ऐसे में उसको जो है इतनी इनकम दोस्तों देनी पड़ेगी ताकि वो उसी सेटिस्फेक्शन लेवल पे आ सके, ये वाली चीजें बनेगी। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि अगर वस्तु महंगी हुई है तो अब उससे पैसा लीजिएगा मत, उसको पैसा दीजिएगा ताकि वो सेम इंडिफरेंस कर पो बना रहे, और अगर अगर उसकी एक्स की कीमत सस्ती हो रही है तो उससे आपको जो है क्या लेना है, एक्स अगर सस्ती हो रही है तो उसको कंपनसेट कर। इसी तरह जो कास्ट डिफरेंस मेथड में भी आपको ध्यान रखना है कि वस्तु एक्स सस्ती हो रही है, मतलब आप हमेशा आंख मूंद के ये तुक्का मत मारिएगा कि हमेशा ही उससे इनकम ली जाएगी, नहीं, अगर वस्तु एक्स महंगी हो जाएगी तो उसको दी भी जाएगी ताकि हिक्स मेथड में वो सेम सेटिस्फेक्शन लेवल पे आ सके और सलस्की के मेथड में वो सेम कास्ट कॉम्बिनेशन पे आ सके, ताकि उसी बंडल को फिर से परचेज कर सके जो कि चेंज होने के पहले था, कीमतें घटने या बढ़ने की पहले थे। तो ये बहुत ही आसान है, थोड़ा सा ध्यान लगा के दो तीन बार डायग्राम बनाओगे तो बहुत इजी हो जाता है। इंडिफरेंस कर दो खींचे जाएंगे हिक्सियन मेथड में, सलस्की में खींचे जाएंगे तीन, और इसका रीजन जो है सलस्की में तीन खींचने का, मैं आपको फिर से बता दूं कि वस्तु ये है, अगर मान लो यहां पे मैंने कहा कि हमारी पीएल रेखा है और ये सस्ती हो गई तो ये आ गई, मान लीजिए ये हो गई पीएल टू हो गई, और पहले वो मान लो इस कॉम्बिनेशन पे था, जब इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं कि फिर से उसको इतना नॉमिनल इनकम ले लो किसी कॉम्बिनेशन, तो इसी कॉम्बिनेशन पे बस एक पैरेलल लाइन आप खींच दो इसके, बस एक इंडिफरेंस का तुम्हारा आईसी वन ये हो जाएगा, एक जो आईसी टू तुम्हारा ये हो जाएगा, एक आईसी थ्री हो जाएगा, तो एक ये से यहां तक जाना सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, यहां से यहां जाना बस, तो बहुत आसान है। इसमें जो है आईसी वन आईसी टू आईसी थ्री तीन लाइनें बन जाती हैं, और यहां पे आप जीरो, यहां एक्स गुड ले लोगे, यहां पे वाई गुड ले लोगे, दिस इज सो सिंपल, डोंट वरी, बहुत आसान है, मैं आपके साथ हूं। क्या आप अपना
साथ दे रहे हैं, आप नेट जेआरएफ या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगे हैं सिविल में, तो बस अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। दिग्विजय इकोनॉमिका के साथ लगे रहिए। दिग्विजय इकोनॉमिका के टेलीग्राम चैनल को जरूर जरूर आप लोग ज्वाइन करिए। दिग्विजय इकोनॉमिका जाके सर्च करना है आपको और ज्वाइन कर लेना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड। आओ कुछ अच्छा करें, आओ कुछ बड़ा करें, कुछ करके दिखाओ, कुछ बन के दिखाओ।